आज का प्रयोग जीवन की उन्नति का प्रयोग है और जीवन में उन्नति तब हो पाती है जब मन में एक आह्लाद होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है और यौवन होता है, क्योंकि जीवन उसे कहते हैं जो पिछले बीते हुए क्षण से अगला क्षण हम और ज्यादा आनंददायक बना सकें, हम खुद बना सकेंगे तब हो पाएगा। और जिन्होंने अप्सरा साधना की है, सिद्धि प्राप्त की है, उन्होंने जीवन में चेहरे पर रौनक आई है, शरीर में कायाकल्प हुआ है, अपने आप में बहुत परिवर्तन हुआ है, उनकी आयु बढ़ी है और उनके जीवन में कहीं कुछ अभाव रहा ही नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से। इसीलिए श्रेष्ठतम साधना अप्सरा साधना है और श्रेष्ठतम शब्द प्रेम है और श्रेष्ठतम क्रिया प्रेममय होना है और श्रेष्ठतम स्थिति अपने आप को प्रेममय होकर के समर्पित कर देना है। इसीलिए आज का प्रयोग आपके जीवन का एकदम से नया पाठ है, नया परिच्छेद है, नया चैप्टर है, एक ऐसा परिच्छेद है जहां आप एहसास कर सकें। और अगर आपको जीवन में पूर्णता प्राप्त करना है तो यही पगडंडी है जिस रास्ते पर चल करके आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रयोग को आपके सामने रखा है, मैं इस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। तत्रादु मंत्रम दद्यात्, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मंत्र बोलेंगे। बोलो पूर्णत्वम प्रेमोत्सव अप्सरा सिद्धये फट। ओम पूर्णत्वम प्रेमोत्सव अप्सरा सिद्धये फट। ओम पूर्णत्वम प्रेमोत्सव अप्सरा सिद्धये फट। ताम पूर्णाय दोस्मानम शक्ति कल्याण ताम दीर्घो दोस्मानम साध्यम संवर्धये। अब मैं उस मंत्र को पढ़ रहा हूं जिससे कि आपको शीघ्र सिद्धि मिल जाए। नमोस्तु सा पूर्वासाम कल्याणताम दीर्घो दोस्मान सा नेति पूर्वासा चिंत्यामी कल्याणताम नमोस्त पूर्वस्याम दोस्मान सा पूर्व सा एतो सानम कल्याणताम दीर्घस्य तो कल्याण दीर्घस्याम चिंत्यामी पूर्व सा दा पूर्वादसम दीर्घ पूर्वादसम प्रसादताम अप्सरायाम सा सिद्धिर्भवतु मे तत्प्रसादान सा मम मनोवांछित समये मनोवांछित क्षणे ताम प्रगट्यम प्रागट्यम एतोसादम मम मनोवांछित कार्य सिद्धिर्थाय साम तुम मुखी पत्नी रूपेण सखी रूपेण साली रूपेण साम यदुस्मान मित्र रूपेण सा चिंत्य रूपेण चिंत्य रूपेण प्रेमोत्सव रूपेण साम पूर्णत्व प्राप्त निमित्त मम सा पूर्ण मित्रोवत विहार पूरा तो सम पूर्ण जीवनम कायाकल्पम हेतु स्वानम सा सिद्धये प्रतिसिद्धये ताम मुखे गुरुमुखेन पूर्णताम दिगम तो स्वामी कल्याणा तुभ्यम इदमचितम भूज्योति मम गृहे अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम अमुक शर्माहम ताम पूर्णत्व शीघ्राति शीघ्र सिद्धि प्राप्त निमित्तम सा पूर्ण श्रद्धायाम पूर्ण प्रेमोत्सव उत्सव रूपेण मंत्र जप कुर्यात् सा तुभ्यम संप्रदेहे। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, आत्मी रखिए। ओम मंत्रार्थ सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्त्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथर्वण ब्रह्म वाक्यस्थान त्यमनन्ति तशत्रुवान् अक्षतान् प्रसृत्योऽन्त्यम् गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्वचश्यमायुष्मारोग्यम् मा विधत्मानुमेते धान्यम् धनम् पशुपुत्रलाभम् सत्संवत्सरम् दीर्घमायु ताम् अप्सरायाम् वताम् पूर्वो वदन्यम् वदा संचिन्त्यं दीर्घत्याम् अतो प्रेमोत्सवाः सपूर्णत्वाम् दीर्घो ताम पूर्ण मनोयोगपूर्वकम् गुरुमुखेन आशीर्वादम् प्रेत्सा शिषित्वा शीघ्रातिशीघ्र मनोमंचित कामना सिद्धताय सा तुभ्यम् संप्रदेहे। इसमें तीन नियम आवश्यक हैं। एक तो घर में इस यंत्र को स्थापन कर दें, उसके सामने इस गुटिका को रख दें और ये माला पहन करके मंत्र जाप करें, एक। दूसरा, इसमें तीन माला मंत्र जाप करें। तीसरा, हकीक माला से मंत्र जाप करें, चाहे काली हो, चाहे पीली हो, चाहे लाल हो, हकीक माला ही हो जो पहले प्रयोग नहीं की हुई हो। चौथा, जब आप मंत्र जाप करें तो सामने यंत्र के सामने दो पुष्प आप अवश्य रखें। पुष्प पहले ही बाजार से ला के रख दें, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे चमेली का हो, चाहे केवड़े का हो, चाहे आग का हो, कोई फूल हो, इसमें पुष्प सामने हो और उसके बाद में घृत का दीपक हो और यदि इत्र हो गुलाब का तो उस घी में थोड़ा सा एक बूंद घी में एक इत्र की एक बूंद डाल दें तो सुगंधमय। अब पांच चीजें हुई। पहला, ये माला पहन के मंजाप करना है। दूसरा, अकीक माला से मंजाप करना है। तीसरा, 21 दिन तक मंजाप करना है। उस बीच में ब्रेक हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर 21 दिन होने चाहिए इसमें, जल्दी से जल्दी। चौथा, रात्रिकालीन साधनाएं रात्रि में ही हो सकती, दिन को नहीं हो सकती। पांचवा, धोती और ये दुपट्टा पहना हुआ होना चाहिए। छठा, आप मंत्र जब बिल्कुल सामने घी का दीपक लगा करके उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मंत्र जाप करें, आसन कुछ भी हो सकता है। चौथा, पुष्प सामने यंत्र के सामने रखें और ऐसा करके
ऐसा निश्चय करके कि निश्चय ही मुझे अप्सरा दिखाई देगी ही, और आपको दूसरे दिन ही शायद आज शुरू करेंगे तो कल या परसों अनुभव होने लग जाएगा आपको। और ऐसा होता ही है क्योंकि ये प्रेमोत्सव है, प्रत्येक क्षण प्रेम का उत्सव है ये। वो क्षण तो जब साधना करें तो प्रेम उत्सवमय है, और यदि कुछ अनुभव हो भी जाए तो मन जाप तो पूरा करें। तीन माला तो कर ही लें, तीन माला पर आप ज्यादा कर सकते हैं, पांच कर सकते हैं, सात कर सकते हैं, ग्यारह, पर दिन 21 होंगे। और मुझे विश्वास है कि आपको पूर्ण सफलता मिलेगी ही, निश्चित रूप से मिलेगी। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ, ऐसी आपके साथ कल्याण कामना करता हूँ। आप सभी सुखी हों, सफल हों, सानंद हों, प्रेममय हों, और आपके हृदय में प्रेम का दीपक प्रज्वलित हो।